बड़ी खबर कवर्धा से है, जहां पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी गई है। सहसपुरा लोहार नगर पंचायत में पदों के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में 5-5 वोट पड़े हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 वोट डले हैं। अपर कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की घोषणा कर दी। इस तरह से वहां की स्थानीय सरकार गिर गई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 वोट पड़े हैं। ग्राम पंचायत सहसपुर का यह मामला है। अपर कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने की घोषणा कर दी है। कवर्धा से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सहसपुर लोहार नगर पंचायत में पदों के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। इस तरह से वहां की पंचायत सहसपुर लोहार की स्थानीय परिषद भंग हो जाती है। इसी के साथ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी चली गई है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद ये अपना विश्वास बचाने में नाकाम रहे हैं। सदस्यों ने पक्ष में 5-5 वोट दिए, वहीं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 लोगों ने वोट दिए। बहुमत अविश्वास की तरफ से था, जिसके कारण सरकार, स्थानीय सरकार सहसपुर लोहार की गिर गई है। सहसपुर लोहारा की और मामले पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश, स्थानीय सरकार गिर गई सहसपुर की, कैसे हुआ यह मामला? देखिए, पूरा मामला जिले के नगर पंचायत लोहारा का है, जहां पर कांग्रेस को आज निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के ही जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष, उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो आज मतदान हुआ। मतदान के बाद अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरीके से पारित हो गया। इस तरीके से अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पूरी तरीके से गिर गई है। अब जो नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो घोषणा होना है, वो उसके लिए जो सरगर्मी जो है काफी तेज हो गई है। आपको मैं बता दूं कि नगर पंचायत में कुल 15 पार्षद थे, जिसमें से 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है आवेदन लगाया था, जिसमें से दो तिहाई मत जो है इनके खिलाफ में पड़े। इस तरीके से इनकी कुर्सी जो है चली गई है। हालांकि जिस तरीके से यह चूंकि एक कांग्रेस को बड़ा झटका माना जा रहा है, कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे, और जिस तरीके से कांग्रेसी पार्षदों ने भी इस अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाते हुए इनको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसे में पार्टी की ओर से भी अब इसको लेकर के काफी चर्चाएं, तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। जी, कांग्रेस समर्थित आपने बताया कि यहाँ के अध्यक्ष थे, कोई बड़े नेता की प्रतिक्रिया आई कांग्रेस के इस मामले पर? सूर्य प्रकाश, देखिए, 6 महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है आवेदन लगाया गया था। ऐसे में बीच बीच में लगातार जो है पार्टी में भी यह बात होती रही थी और मान मनुवाल का जो तरीका है वो भी लगातार चर्चा में थी, लेकिन अंततः जो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इनको मनाने नहीं मना पाए। यही कारण है कि आज जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो पद है वो उसे इनको हाथ होना पड़ा है। नहीं तो 6 महीने तक काफी लंबा वक्त होता है, अगर चाहते तो 6 महीने तक इन जो नाराज पार्षद थे उनको मना सकते थे, और आज की जो स्थिति थी वह स्थिति नहीं आ पाती, लेकिन नहीं मना सके। यही कारण है कि अब जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है बिल्कुल सूर्य प्रकाश, और देखना होगा कि फिर नए चुनाव के बाद किसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां सहसपुर लोहारा की पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी चली गई अविश्वास प्रस्ताव के चलते हुआ। कवर्धा से आप ये बड़ी खबर देख रहे हैं।